रेंचो में इधर काम की बातें सुना रहा हूँ, कहाँ इधर उधर देख रहे हो तुम? हाँ, फुट 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 फुट। देखो, अपनी जल सेना, वायु सेना और थल सेना ने त्रिशक्ति का कमाल दिखाया है बॉम्बे में लोगों के लिए, हाँ सिविलियंस के लिए। माय डियर, अभी देखें और क्या है ये राशिफल क्या कहता है, जरा ये पढ़ते हैं। ये तुम भी देखो, जरा गौर से देखो। राशिफल में लिखा है कि किसी से मिलन का संयोग है, प्रेम का योग है। ए, तू क्या खीखी खीखी करके मेरी तरफ देख रहा है? आगे ये भी लिखा है कि दुश्मनों से आंखें चार होने वाली हैं। हाँ, अरे लगता है कोई नया केस आ गया है। रेंचो, तू जरा इधर ही रुकना, मैं देख कर आता हूं। हाँ शंबड़ू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, आ कहिए। सर मैं आपसे मिलने आई हूँ। जी मुझसे? डिटेक्टिव राजा से। अच्छा अच्छा, तो आइए अंदर आइए ना प्लीज, कम आइए अंदर आ जाइए। घबराइए नहीं, वो भी दोस्त है। अरे नहीं, मैं नहीं घबराती। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर मेरा नाम मोना है और मैं आपकी जबरदस्त फैन हूँ। बेवकूफ, ये उस फैन की बात नहीं कर रही है। फैन का मतलब है खर जाने दे। कितनी बार तुझे कहा है इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी फैन है। कहीं आपका केस क्या है? नहीं सर, आप जैसा वाला केस सॉल्व करते ना, मैं वैसा वाला केस लेकर नहीं आई हूँ। जी जैसा वाला वैसा वाला, तो फिर आप कैसा वाला केस लेकर आई है मेरे पास, ये तो बताइए तफसील से। सर एक्चुअली आप मुझे अपनी असिस्टेंट बना लीजिएगा। सर मुझे जासूसी का बहुत तजुर्बा है। मेरी माँ कहती है कि मैं बचपन में एक नंबर की जासूस थी। कहीं भी कोई भी चीज रखो, मैं यूं ढूंढ निकालती थी। और सर कातिलों और बदमाशों को ढूंढने में आपको मेरी काफी मदद होगी। जी मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरा दिल टूट जाएगा। जी आप खामखा मेरा टाइम बर्बाद कर रही हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आइए प्लीज कम। सर प्लीज प्लीज आइए, मैं भी आपसे प्लीज कह रहा हूँ, प्लीज कम आइए। आइए प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आप क्या है? सर प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। सर अगर आपने मुझे अपॉइंट किया ना, तो मैं आपके काफी मदद में आ सकती हूँ। आई प्रॉमिस सर। आप जाती हैं या मैम? जाती हूँ बाबा, जाती हूँ। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाउ व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटे, मैं राजा से मिलना चाहती हूँ। जी कहिए, मैं ही राजा हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? बेटा मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। ठीक है, आप आइए मेरे साथ प्लीज कम। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है सर। तुम? ओह गॉड माय गॉड, वंस अगेन, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, टेल मी। सर मैं सिर्फ अपना कार्ड देने आई थी। थैंक यू वेरी मच। अगर कभी मेरी जरूरत महसूस हो तो बंदी हाजिर हो जाएगी। वाह व्हाट अ ग्रेट बंदी। प्लीज टेल मी, वो माजी यहाँ थी, वो कहाँ गई? हाँ बेटा मैं यहाँ हूँ। ठीक है माजी, आप मेरे साथ अंदर आइए, बताइए आपकी क्या परेशानी, प्लीज कम। जी मेरी इकलौती बेटी है, शादी करके 2 साल हो गए, पर पता नहीं वो किस हाल में है। कमाल की बात है, आपने अपनी इकलौती लड़की की शादी की और आपको ये नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लड़का क्या करता है? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि लड़का इंजीनियर है और विलायत में नौकरी कर रहा है। बताया गया था? हाँ। किसने किसने शादी किसने कराई थी? मिस्टर पांडे और उसकी बीवी ने। पांडे, ये कौन है? ये बहुत बड़ा आदमी है, हमारे चाली के सामने वाले बिल्डिंग में रहता है। मेरी बेटी को देखकर हमेशा कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, उसका रिश्ता हम ही करवाएंगे। फिर बहुत आसान है, आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछते कि कहाँ है आपकी? पूछने पर वो बताते कि आप खामखाम परेशान होती है, तुम्हारी लड़की तो मजे में है। लेकिन मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है, पता नहीं मेरी बेटी किसी गलत जगह तो नहीं फंस गई। हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा कर,
ये, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इत्मीनान से बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि पता लगाऊं आपकी बेटी कहां है। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि ये मिस्टर एंड मिसेस पांडे हैं कौन। जी हाँ, हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसका फोन था? संपत भाई का, सिंगापुर के अंडरवर्ल्ड का डॉन है वो। अच्छा, क्या बोला वो? एक लड़की चाहिए, खूबसूरत, मासूम। घर बसाएगा क्या? नहीं, सिर्फ एक साल के लिए चाहिए। तो तुमने क्या बोला? कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा ना, ये आदमी हमें माला माल कर देगा। उसको हमारे बारे में पता कैसे चल गया? कोई पकिया हम लोगों की नेक नामी फैला रहा है। ये संपत भाई अगले ही हफ्ते इंडिया आने वाले हैं। जा रहे अंकल? तू तो आज बरोबर किंग अंकल बने ला रे। तेरा क्या हाल है? आंटी नंबर वन रिलीज करूं क्या? देखो कल्लू भाई, तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तुम्हें इस तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए। पुलिस का बात बाद में, पहले अपन का बात सुन। अपन को एक मासूम खूबसूरत सा छोकरी मांगता है वो शायर लोग, क्या बोलता अपना शायरी में? कच्ची कली वैच, कच्ची वाली। अपन को घर बसाने का है, जल्दी जल्दी, दो चार दिन के अंदर। क्या पता अपन को पुलिस वाले टपका डाले एनकाउंटर में। पर कल्लू भाई, कोई लड़की भी तो होनी चाहिए हाथ में तुम जैसे शरीफ और नेक इंसान के लिए। क्या रे अंकल, अपन का टेम में तेरा हाथ खाली हो जाता। वो मुन्ना, वो जग्गी, वो टकले के वास्ते तेरा हाथ भरेला था क्या? अपन क्या कम मर्डर किए लाए? हाँ ना, इस बार अपन तेरे से ना नहीं सुनने का, वरना ये देखा क्या क्या है ये? शरीफ लोग इसको रिवॉल्वर बोलते, और अपन लोगों का लैंग्वेज में है सिक्सर। अपन का सिक्सर चला तो तेरे को जोंटी रोड भी कैच नहीं कर पाएगा क्या? सीधा ऊपर, इसलिए ताबड़तोड़ खोज डाल, दो चार रोज में आता है। चल रहे गबरू। मगर उस्ताद, जाते जाते एक बार फिर से माइंड में बात डाल दो ना। क्या? वही अच्छी कली। पर अभी तो तू बोला शायर का लैंग्वेज में कच्ची कली। वही अच्छी, मेरा मतलब कच्ची कली। वही अच्छी या कच्ची, पन कली होना मांगता है क्या? वरना कल मैंने काफी छानबीन की है मिस्टर एंड मिसेस पांडे के बारे में, और मेरे हाथ काफी इंटरेस्टिंग जानकारियां भी लगी। कैसी जानकारी? दरअसल जो बिजनेस ये लोग कर रहे हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस का, ये इनका बिजनेस है ही नहीं। इनका धंधा है नंबर दो का, और ऐसे ही लोगों के साथ इनके संबंध भी। और सिर्फ आप ही की लड़की नहीं, बल्कि और भी 5 मासूम लेकिन खूबसूरत लड़कियों की शादियां करवाई हैं इन लोगों ने, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं इस हाल में होगी मेरी बेटी। कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? सब्र रखिए, आपकी बेटी जहां भी है उसे सही सलामत आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। और सिर्फ आप ही की बेटी को नहीं, बल्कि उन 5 मासूम लड़कियों को भारत लाना भी मेरा फर्ज है, और इन मिस्टर एंड मिसेस पांडे को सलाखों के पीछे पहुंचाने का वादा करता हूं मैं आपसे। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। लेकिन मुझे इस केस में बहुत ही बहादुरी और चालाकी से काम करना होगा, क्योंकि मेरा सामना बहुत ही शातिर मुजरिमों के साथ हुआ है। आप जानती हैं वो 5 मासूम लड़कियां विदेश के नामी गुंडों के हाथों बेच दी गई हैं। ऐसे केसेस में कभी कभी सरकार भी मजबूर हो जाती है, लेकिन तुम जैसे चाहो वैसे कर लो, मेरा पूरा पूरा भरोसा तुम पर ही है। हाँ बेटा, सच तुम पर ही है। तो मेरा यकीन कीजिए, आज से ही शुरू होता है ऑपरेशन सेव इंडियन गर्ल्स। Yeah!
मैं आ गई आपकी पत्नी बनने के लिए। मेरी पत्नी? आप ही ने तो कहा था मैं आपके असिस्टेंट नहीं बन सकती, लेकिन पत्नी जरूर बन सकती हूँ। मैंने कहा था? मोना ने वो कार्ड दिया था मुझे, वो कार्ड कहाँ रख दिया मैंने? ये क्या? दे 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 दे। मोना। कार्ड तो मोना का ही है, बहुत संभाल के रखा उसका कार्ड। क्यों पसंद आ गई क्या? अबे उसे कहीं फोन वोन तो नहीं कर दिया तूने? हाँ बैठने का कहकर तुम खड़ी हो, बैठो ना। मोना, मोना तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहती थी ना? चाहती थी नहीं सर, अब भी चाहती हूँ। वेरी गुड मोना। मोना मुझे एक केस में तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक केस? सर मैं तो आपको हजारों केसेस में मदद करने के लिए तैयार हूँ। खैर वो तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा का क्या कहना है इस बारे में। मामी तो ऑफिस गई है और पापा है नहीं। सॉरी। नहीं सर वैसे नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे डैडी इंडिया में नहीं स्टेट्स में हैं। तो भाई तुम्हें ये कहना चाहिए था कि पापा यहाँ नहीं। हाँ सर, एक्चुअली आई एम सॉरी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी क्या कहती है इस बारे में। सर मेरे मम्मी का कहना ये है कि मैं एक जासूस के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकती। अच्छा मोना, मोना इस केस में तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा। बीवी? सर मैं इतनी जल्दी कैसे शादी कर सकती हूँ, और वो भी मम्मी डैडी को पूछे बगैर? अरे पगली, मैं सचमुच की शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। और हाँ गौर से सुनना, जासूस की पहली जरूरत होती है। यस सर, सॉरी सर, एक्चुअली कुछ गलतफहमी हो गई थी। सर, इसका मतलब है मेरी ट्रेनिंग आज ही से शुरू हो गई? यस मोना, शुरू नहीं, शुरू हो गई, और वो भी इस नाटक के साथ, और वो भी मिस्टर एंड मिसेस पांडे की। कोई लड़की नहीं है? अरे हाँ, पीछे वाले मकान में एक सांवली सी लड़की है ना, कौन है वो? नहीं नहीं, मैंने सारा पता कर लिया है, उसे हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? उसके तीन तीन जवान भाई हैं।
आंटी, मेरी जिंदगी को तबाह होने से बचा लीजिए। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम शिल्पा है। मैं बचपन में ही अनाथ हो गई थी। मेरे शराबी मामा ने मेरी किसी पागल के साथ शादी करा दी। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? आंटी ने, उसी आंटी ने जिसकी बेटी प्रिया की आपने किसी विलायत में इंजीनियर बाबू से शादी करवाई थी। अंकल, अंकल प्लीज मुझे उस पागल से पीछा छुड़वाकर किसी अच्छे आदमी से शादी करवा दीजिए। घबराओ मत बेटी, तुम्हारी भी शादी करवा देंगे, जरूर करवा देंगे। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ। अरे भाई, पानी से क्या होगा, थकी हुई है, इसके लिए शरबत लेके आओ। तो चलिए ना, मेरी मदद करिए ना शरबत बनाने में। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेके आता हूँ। भाई, हमारी मुराद तो पूरी हो गई। बिल्कुल सही लड़की है, खूबसूरत है, मासूम है, गरीब है और मजबूर भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका आगे पीछे कोई नहीं। लेकिन मुझे एक बात से डर लगता है। क्या? कहीं कल्लू उसे शादी करने की जिद कर बैठा तो? उसे पता चलेगा तो ना। अरे हम कोई पागल है कि इस लड़की की शादी उससे करवा देंगे? वो हमें क्या देगा, खुद कंगाल है। अरे एक दारू की बोतल के पीछे खून करता फिर रहा है। हाँ भाई, ये चीज तो सिंगापुर के डॉन संपत भाई के लिए रिजर्व है, जो हमें माला माल कर देगा।